दक्षिणी दिल्ली नगर निगम मोहन गार्डन वार्ड 25 एस चेयरमैन श्याम कुमार मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी मती सुधा मिश्रा द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया। डिस्पेंसरी का उद्घाटन फीता काटकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, असम सह प्रभारी पवन शर्मा, पश्चिमी जोन अध्यक्षा श्वेता सैनी मौजूद रहीं। समारोह में संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने श्याम कुमार मिश्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि आज दक्षिणी दिल्ली में एलोपैथिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया, जिससे लोगों को अब एलोपैथिक दवाइयां मिल सकेंगी जो प्रकृति से मिली हुई होती हैं और वह कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। दक्षिणी दिल्ली के लोगों के लिए श्याम मिश्रा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम चेयरमैन श्याम मिश्रा ने कहा कि मैंने 5 साल पहले जो जो अपने क्षेत्र के लोगों से वादे किए थे वह मैंने पूरे कर दिए, चाहे वह साफ सफाई का हो, एलोपैथिक डिस्पेंसरी का हो, जच्चा बच्चा केंद्र हो या कचरे से बिजली बनाने वाला प्लांट हो। कोरोना काल में सभी को जागरूक करके कोरोना वैक्सीनेशन करवाना मैंने अपनी तरफ से पूरे काम किए, क्योंकि यह मेरे सपने थे जो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किए हैं। इसके बाद अगर आगे मुझे मौका मिलता है और मेरे क्षेत्र के सभी लोग मेरे ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो आगे इसी तरह से क्षेत्रवासियों के लिए विकास करता रहूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए जो मेरे सपने हैं उनको भी ऐसे ही आगे पूरा करूंगा। दिल्ली नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ। ये आप इलाका देखिए, यहाँ पर जल्दी से डिस्पेंसरी नहीं थी और जगह भी नहीं थी। उन्होंने पिछले 4 वर्षों में बड़ी मेहनत से वो जगह ढूंढी और जगह ढूंढने के बाद कंटेनर से यहाँ एक डिस्पेंसरी बनी जिसमें सभी बीमारियों का इलाज होता है। और निगम ने अपने कम आर्थिक संसाधन के बावजूद बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ जल्दी एक कंपैक्टर मशीन लगने वाली है और इस पूरी विधानसभा में ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनी है। निगम बहुत सीमित तरीके से काम करता है, बावजूद उसके सभी स्ट्रीट लाइट लगाना, काम करना, सफाई रखना और डिस्पेंसरी बनाकर यहाँ के लोकल लोगों को एक सहायता उपलब्ध कराना। नज़दीक में डिस्पेंसरी होती है तो मदद मिलती है। यहाँ बहुत सारे लोग जो प्रवासी के रूप में भी रहते हैं, तो मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बेहतरीन काम कर रहा है उसको बहुत बधाई देता हूँ। इतना अभाव था यहाँ, अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ सर में भी दर्द हो जाए, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस पर जाकर व्यक्ति अपना कुछ इलाज करवा ले और डॉक्टर से सलाह ले लें। आज श्री श्याम मिश्रा जी ने ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन नगर निगम की नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सबने प्रयास किया, श्री श्याम मिश्रा जी ने उसको फाइल को तैयार किया, बहुत समय लगा और आज ये नगर निगम की जगह हो गई और इस पर हजारों जो लोग हैं वो अपना भगवान ना करे कोई बीमार हो परंतु उनको सुविधा इस बात की होगी, यहाँ इलाज कराने के लिए ये जगह निर्मित होगी जो नगर निगम के माध्यम से होगी। जो हमने प्रस्तावित था जच्चा बच्चा केंद्र, इसमें हमने आज डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ और औषधालय दवाई का जो है काफ़ी हमारे आज से डॉक्टर भी हमारा देखना शुरू कर दिए। आज अभी डॉक्टर से पूछे थे कि आज कितने मरीज देखे अभी, तो बता रहे थे कि अभी तक हमने 1:45 तक 135 मरीज देखे हैं हमने। तो ये आज पहला दिन आज है, आपने देखे कि अच्छा हमारा शुभ है, क्योंकि भगवान न करे हमारे वार्ड में किसी को कोई परेशानी हो तो अब कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, अब यहीं पर हमारा इलाज होगा। और हमने हमारा सपना था कि हमने जो लोग हमें वोट दिए हैं उनको हम कम से कम स्वास्थ्य लाभ दें, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, इसके लिए हमने काम करना है और आज मैंने इसमें सफलता पाई। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा आज उद्घाटन हुआ और मुझे बड़ी खुशी है। हमारे बीच यहाँ के पूर्व विधायक माननीय पवन शर्मा जी भी साथ थे। मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि जिस तरह पिछले बार मिश्रा जी को जीत कर भेजे थे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया और आज उन लोगों की वजह से ये हमारे वार्ड नंबर 25 में डिस्पेंसरी बना है, तो आगे उसी तरह से वो लोग आशीर्वाद देते रहे। अभी अगले महीने कंपैक्टर मशीन भी लगेगी जिससे बिजली उत्पादन होगी, तो बहुत सारी हमारी सपना है जिसको मैं एक एक करके अपने वार्ड में मैं अपना वार्ड में कर रही हूँ। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।